आज हम लोग फिर कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसको खाना बच्चों को बहुत पसंद होता है, आप लोग बहुत पसंद करते हैं जिसको। तो ये है शिमला मिर्च। मैंने पिछली क्लास में कहा था ना कि मैं आप लोगों के लिए शिमला मिर्च लेकर आऊँगी, तो ये मैं शिमला मिर्च लेकर आई हूँ। इसको हम अक्सर इसके साथ में इसको काट के सब्जी बनाते हैं, इसको भर के स्माली भर के सब्जी बनाते हैं। एक पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था, लेकिन उस समय हम किसी कारण से इसका चित्र नहीं बना पाए थे, हमको इसका असली मॉडल नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो आज हम लोग असली शिमला मिर्च को लेकर आए हैं। इसको इंग्लिश में कैप्सिकम बोलते हैं। और ये जो है कैसे रंग की है, ये है गहरे हरे रंग की, और इसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। तो देखने में वो बीज पूरे मिर्च के बीज की तरह से लगते हैं, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खास। आप लोगों ने तो सबने खाई होगी, और इसकी खुशबू भी थोड़ी सी अलग तरह की होती है। यदि मान लीजिए कि कोई देख नहीं पा रहा है और उसको शिमला मिर्च सूंघने के लिए दिया जाए, तो वो बता सकता है कि ये शिमला मिर्च है, इसको सूंघ के। और खाने में भी इसका एकदम यूनिक, एकदम अलग तरह का स्वाद होता है। तो हम इसका भी क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग बनाएंगे पेंसिल से। तो ये देखिए, ये इसका जो कंगूरा, ये देखिए, ये थोड़ा सा उठा हुआ है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सबसे हमारी आंखों के सामने यही दिखता है, तो हम सबसे पहले इसी कंगूरे को बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने इस कंगूरे को इस तरीके से इसका कंगूरा बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये देखिए, ये जो दो ये दिख रहे हैं, ये कंगूरा हमको जैसा दिख रहा है हम बिल्कुल इसको वैसा ही बना देंगे। ज़रूरी नहीं है कि दो शिमला मिर्च हमेशा एक ही तरह की दिखें। एक शिमला मिर्च का शेप थोड़ा सा अलग हो सकता है, दूसरी शिमला मिर्च का शेप थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इसका मोटा सा जो डंठल होता है, ये डंठल इसका बना देंगे। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो इसका डंठल है ना, ये डंठल, ये देखिए, शुरू से आखिरी तक लगभग इसकी मोटाई एक जैसी है, बल्कि ऊपर साइड में ये तो थोड़ा ज़्यादा ही मोटा दिख रहा है। और फिर हम इसका ये जो पीछे वाला कंगूरा है, ये शिमला मिर्च का पीछे वाला कंगूरा, ये हम यहाँ से बना देते हैं। ये हमारी शिमला मिर्च की ड्राइंग बन के तैयार हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रंग भरेंगे। तो रंग भरने के लिए आपने फिर देखा होगा मैंने क्या किया है, पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से पकड़ा है, ऐसे कि जिससे कि मेरा हाथ आसानी से पेपर में चल सके। यदि मैं खूब ज़ोर से गड़ा के पेंसिल को पकड़ूंगी, तो मेरा हाथ अच्छे से पेपर पे कागज़ पे नहीं चलेगा। तो इसलिए, और हम ड्राइंग पेंसिल से क्यों बनाते हैं, हम अपने खुद के लिए, कि हमको ये पता रहे कि हमको एक मोटा मोटा शेप किस तरीके का देना है। बाकी फिर काम हम किससे करते हैं, बाकी काम हम रंग से करते हैं। तो इसमें हम फिर तीन स्टिक का यूज़ करेंगे। एक हम लेंगे हल्के हरे रंग की, और एक हम लेंगे गहरे हरे रंग की, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, और एक हम थोड़ा सा शेड करने के लिए काला रंग ले लेंगे। हम इसमें देखिए, एक ये चीज़ थोड़ी सी बनाना भूल गए, ये स्टार जैसी दिखती है, ये इसमें ये जो इसका कवर जैसा बना रहता है ना, ये शिमला मिर्च का, ये हम बनाना भूल गए, तो ये भी हमने बना लिया ये लीजिए। ठीक है, तो ये इसको हम भले ही थोड़ा ज़्यादा गहरे रंग से भर देंगे, बाकी चीज़ों को हम लगभग एक जैसा ही कलर करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमको सबसे हल्का दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हल्के से, चलिए अपन इसको येलो कलर से कर लेते हैं, लाइट येलो कलर से। ठीक है, हल्का सा शेड देने के लिए हम इस पॉइंट को कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये पॉइंट हमने हल्के से पता कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद में ये डार्क ग्रीन कलर से इसकी जो आउटलाइन है उसको बना देते हैं। ठीक है, ये पूरी आउटलाइन हम क्या करते हैं, डार्क ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये देखिए, ये पूरी आउटलाइन जो है हमने डार्क ग्रीन कलर से बना ली। ठीक है, ये देखिए, और इसका जो ये जो पोर्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई डंडी बोलते हैं, कोई डंठल बोलते हैं, तो डंठल को हम क्या करेंगे, ये हम ये वाले पोर्शन को, इसका ये जो कवर जैसा रहता है ये, और डंठल, इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन कर लेते हैं।
ये ब्लैक कलर से हमने इसकी आउटलाइन कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हमको डार्क कलर करना है तो हम इसमें हरे रंग से, गहरे हरे रंग से ये जो रंग है इसको ये भर लेंगे अंदर। डंठल का हमने गहरा हरा रंग, अभी चूंकि हम पेस्टल से कर रहे हैं इसके इसलिए हमारे पास में एकदम एग्जैक्ट शेड जो इसका होता है वो नहीं है, लेकिन जब हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं तो हमारे पास में पोस्टर कलर या ट्यूब कलर, ऑयल कलर यूज़ करते हैं तो हम अपने हिसाब से एग्जैक्ट शेड बना सकते हैं। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम बाकी का मेन कलर जो है वो भर ले रहे हैं। ये देखिए ये हमने इस तरीके के लंबे लंबे स्ट्रोक्स देना शुरू कर दिया। ये देखिए ये लंबे लंबे स्ट्रोक देखिए हमने शिमला मिर्च में कैप्सिकम हमने क्या करना शुरू कर दिया, रंग भरना शुरू कर दिया। ये देखिए ये देखिए ये कैप्सिकम में हमने रंग भरना शुरू कर दिया। ये देखिए इसका मेन वाला पोर्शन है, इसमें क्या हो गया, ये रंग भर गया। ये देखिए अब हम फिर क्या करेंगे, ये देखो ये फिर बगल वाला जो इसका निकला हुआ पोर्शन है इसमें हम कलर कर लेंगे। ये देखिए इसमें भी हम हरा रंग भर लेंगे। इसमें कहीं पे ये पीछे छुपा हुआ है ना, ये पोर्शन पीछे, ये सामने था इसलिए हमने इसमें क्या किया, हल्का सा ये लाइट दिया है। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये वाला भाग जो है शिमला मिर्च का ये क्या है, ये पीछे तरफ है तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने लाइट कलर नहीं। लाइट ग्रीन कलर की है ऐसा है क्या, नहीं है, शिमला मिर्च तो पूरी एक जैसे हरे रंग की है। वो हमको ऐसी क्यों दिखती है, हमको छाया और प्रकाश दो चीज़ों की वजह से शिमला मिर्च कहीं पे हल्के रंग की दिखती है और कहीं पर गहरे रंग की दिखती है। ये हमारी शिमला मिर्च बन के तैयार हो गई है और अब अपन इसमें क्या करते हैं, कहीं कहीं पर ये ऐसे हल्का सा ये यहाँ पर थोड़ा शेड रहता है ना, तो ये हमने थोड़ा सा इसको उठाव देने के लिए ये काले कलर से ये यहाँ पे हल्का सा शेड दे दिया, जिससे ये पता चले कि ये जो इन दोनों के बीच में अंतर है, ये चीज़ थोड़ी पीछे है, ये देखो ये चीज़ थोड़ी पीछे है, हमने इसमें ये कर दिया। अब आप देखिए आपकी शिमला मिर्च, आज हम इसमें एक छोटा सा नया एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, शेड जब किसी चीज़ का बनाते हैं किसी चीज़ को तो उसकी ऐसे छाया पड़ती है जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर, तो ये हम शिमला मिर्च की छाया बना रहे हैं। देखिए हल्की सी हम शिमला मिर्च की छाया में रंग होते हैं क्या, नहीं छाया में रंग नहीं होते, छाया सिर्फ छाया रहती है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर से बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च रखी है और उसकी ऐसे हल्के से छाया पड़ रही है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हमने उसकी हल्की सी छाया बना दी शिमला मिर्च की, ठीक है। ये देखिए बन गई ना शिमला मिर्च ऐसी जैसी आपकी शिमला मिर्च है, ये देखिए ये देखिए ये शिमला मिर्च बनी ना, अच्छी दिख रही है। ये देखिए ये आपकी किताब में भी इसका ड्राइंग है ऐसे ही है, ये देखिए आपकी किताब में भी इसका ये ड्राइंग शिमला मिर्च का, लेकिन ये अपनी शिमला मिर्च पूरी रियल शिमला मिर्च जैसी बनी है ना। चलिए ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास में इतना ही। मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी यदि वहाँ समुदाय हैं तो उनसे बोलिए कि मेरे पास से आके आपके लिए कॉपी लेके चले जाएंगे और रंग पेंसिल्स।
ज़रूरत है तो सामान उनसे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपके घर के सदस्य